बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। बहुत ज्यादा। अब महंगाई कैसी हुई, मतलब महंगाई ज्यादा इस समय मेला लग रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है आज के दिन, मतलब 2 साल बाद ये दिन आया है तो आपको कैसा लग रहा है? जी हमें बहुत बढ़िया लग रहा है। हेलो सर, कई साल हो गई। अच्छा, बहुत साल हो गई। और इधर शिक्षी, आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है, नाम बता दो। आयशा। आयशा जी, ये बताइए यहाँ मेला कब से लग रहा है? बहुत दिन से लगा। अच्छा, तो ये जी मजा आ रहा है, किसकी है? ये दादा मियां। नमस्कार, मैं हूं दीपक, आप देख रहे हैं डीके भारत न्यूज। उत्तर प्रदेश जनपद सहजानपुर में कस्बा खुदागंज में पानी वाली टंकी के पास हर साल की तरह इस साल भी बड़ी धूमधाम से दादा मियां का उर्स मनाया जा रहा है, जिसमें बड़े मशहूर कब्बाल बदायूं शरीफ के बता रहे अफजल और नाजिम जी आ रहे हैं। इधर देखिए मेले की भव्य रौनक, क्योंकि यहाँ कुछ जगह कम है मगर फिर भी मेला यहाँ होता है अच्छा सा। इधर देखिए चारों तरफ इधर झूले वगैरह लगे हैं, मैं इधर भी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ बच्चों में बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए इधर जो कुछ ग्राउंड है तो वहाँ झूले वगैरह लग जाते हैं, इधर बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए चारों तरफ यहाँ बच्चे में बहुत ही खुशी देखी जा रही है। देखिए इधर से इधर, और यहाँ पे नलकी भी दिखता है। और इधर आइए, देखिए मैं आपको पूरे मेला का भ्रमण कराऊंगा, बने रहिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ। देखिए दोस्तों, ये पानी वाली टंकी के पास, हाँ यार हमारा वाकिल ले, ये पानी वाली टंकी के पास मेला होता है। देखिए दोस्तों, और यहाँ पे काफी अच्छा लगता है, और ये लोग खिलौना वगैरह बेचते हैं इनकी दुकान पे। भैया देखिए, भैया से जान के, भैया आपका क्या नाम है? निजामुद्दीन। निजामुद्दीन, ये बताइए, ये लगभग 2 साल बाद मेला हो रहा है कोरोना के कारण, आपकी दुकानदारी पे क्या प्रभाव पड़ा था? काफी प्रभाव पड़ा। अच्छा, आप मेला चालू गए, कैसा लग रहा है आपको? आप बहुत बढ़िया लग रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इधर मैं काफी लोगों से भ्रमण करूंगा, और इधर से इधर दिखाइए, क्योंकि गत वर्ष की बात, इस वर्ष भी यहाँ मेला लगा है जो पानी वाली टंकी के पास, हर साल की तरह इस साल भी लगा है, बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश जनपद शाहजहानपुर के कस्बा गुदागंज में ये मेला लगता है। देखिए दोस्तों, हलवा पराठे की कुछ यहाँ दुकानें भी लगी हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इधर से इधर देखिए, काफी अच्छा लग रहा है इधर। देखिए दोस्तों, मेरी रही वीडियो के एंड तक चारों तरफ दिखाई दे रहा, काफी अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा माहौल है यहाँ पर। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश जनपद शाहजहानपुर के कस्बा गुदागंज में दोस्तों हर साल की तरह इस साल भी बड़ी धूमधाम से दादा मियां का उर्स मनाया जाता है। इसमें काफी मशहूर कब्बाल आते हैं, और इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। मैं आपको दिखाऊंगी चारों तरफ, इधर दिखाइए, और बढ़िया इधर देखिए दोस्तों, आप इधर का, और इधर देखिए भैया, युवा मिल गए मुझे, जरा भैया से जानेंगे। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आमिर खान। अच्छा, कहाँ रहते हो आप? मैं रहता हूँ दीपपुर में। अच्छा, 2 साल बाद मेला लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, यहाँ का माहौल आज अच्छा लग रहा है देखते हुए, मजार पूरी सजी हुई है और माहौल भी अच्छा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों, चारों तरफ का मैं आपको नज़ारा दिखाएंगे, यहाँ भव्य दुकानें लगती हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ मेले में, जो काफी दूर दूर से लोग आते हैं अपनी दुकानें लगाने। देखिए दोस्तों, अब हम आपको मजार के जो मजार है, जहाँ वहाँ ग्राउंड में ले चलता हूँ, वहाँ की दादा मियाँ की जो मजार है, जिसे दरगाह बोलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है, और काफी इधर देखिए, इधर दिखाई नहीं, ये ग्राउंड है, ये दादा मियाँ का मजार है। दोस्तों बने रही वीडियो के एंड तक, ये देखिए इधर स्टेज है, यहाँ पे मजार है, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग उनसे मैं जानकारी लूंगा सबसे पहले। और इधर से इधर देखिए दोस्तों, मैं आपको अब मजार के दर्शन करा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये दादा मियाँ की मजार है,
ये हजरत दादा मियां जो उर्स लगता है हर साल की तरह 25 मई को यहाँ कार्यक्रम होता है जो उत्तर प्रदेश जनपद शाहजहानपुर के कस्बा खुदागंज में होता है। हर साल की तरह बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। देखिए ये स्टेज है, यहाँ पे स्टेज जो है वो तैयार हो रहा है, यहीं पे कब्बाल वगैरह आएंगे। और देखिए चारों तरफ यहाँ काफी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल है। मजार के दरगाह के जो कार्यकर्ता हैं और जो मुख्य इसके वो हैं कमेटी के अध्यक्ष, सबसे पहले आपका स्वागत है, आप अपना नाम बताइए लोगों। जी मेरा नाम जान मोहम्मद है। और ये बताइए जो 2 साल बाद इस समय मेला लग रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है आज के दिन, मतलब 2 साल बाद ये दिन आया है तो आपको कैसा लग रहा है? जी हमें बहुत बढ़िया लग रहा है, 2 साल से मेला नहीं हुआ है कोरोना काल के मर, इसलिए अब की मेला लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मुझे और एक भाई साहब मिल गए हैं जरा इधर, आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है? नन्नू अंसारी। अच्छा जी, तो आप बताइए इसके बारे में लोगों से क्या कहना चाह रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, मेला 2 साल बाद हो रहा है, अब हर साल होता है, 25 मई को होता है मेला। अच्छा। अब बहुत शांति के साथ में कव्वाली होती है, मुकाबला भी होता है, सब लोग देखते हैं, पूरी रात मेला चलता है। देखिए दोस्तों, यहाँ के मैं दुकानदारों से जानूंगा क्या इसमें चल रहा है। सबसे पहले भैया आपका क्या नाम है? मुस्तकीम। मुस्तकीम भैया ये बताइए कि 2 साल बाद यहाँ मेला लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, दुकानदारी भी कैसा प्रभाव पड़ा था? बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। बहुत ज्यादा। अब महंगाई कैसी हुई? मतलब महंगाई ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। देखिए दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए दोस्तों इनकी दुकान पे काफी सामान है, बहुत बहुत अच्छे। देखिए डॉगी कितने का भैया रेट? 50 का, 50 रुपए का है, बहुत अच्छा है भैया। और मैं कुछ लोगों से जानूंगा भैया, तो ये हलवा पराठे की दुकान है जो दादा मियां के उर्स में लगी है, भैया से जानूंगा कि पहले हलवा पराठा क्या रेट था, अब क्या रेट है? सबसे पहले भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुंशी। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? नतेली। नतेली से। बताइए हलवा पराठा की आप दुकान लगा रहे हो, ये क्या रेट चल रहा है इस समय? इसमें 120। अच्छा, जो पहले 2 साल के बाद ये मेला हुआ है उस समय पहले क्या रेट था? 60 रुपए किलो था। 60 रुपए, मतलब अब दुगना पहुँच गया। अच्छा, बता रहे भैया पहले 2 साल पहले जब कोरोना काल महामारी से पहले 60 रुपए किलो था, अब जे 120 रुपए हो रहे हैं, बता रहे पहले कितने की टीन थी, मतलब तेल? 1200 की थी। अच्छा, आप कितने की है? अब 2400 2550 की है। अच्छा, पहले जो तेल का पीपा तो बता रहे 1200 रुपए का था, अब वो 2550 रुपए की दुगने का हो गया। देखिए भैया इतने इतने बड़े ये पराठे होते हैं, जरा देखिए, और ये हलवा होता है बहुत ही स्वादिष्ट लगता है हलवा पराठा। और इधर देखिए दोस्तों काफी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे काफी दूर दूर के लोग आते हैं। आपका क्या नाम है? तायरा। अच्छा, ये बताइए यहाँ 2 साल बाद मेला लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा और बहुत धूमधाम से। अच्छा, ये बताइए यहाँ मेला लोग बता रहे हैं कि कब से हो रहा है? बहुत सालों से हो रहा है, कई साल होंगे। अच्छा, बहुत साल होंगे। और इधर है सच्ची, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है, नाम बता दूँ? आयशा। आयशा जी, ये बताइए यहाँ मेला कब से लग रहा है? बहुत दिन से लगा थे। अच्छा, तो ये जी मजार है, ये किसकी है? ये दादा मियाँ की है ये मजार। अच्छा, दादा मियाँ की है। हाँ। अच्छा, यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है आपकी? हाँ। हिंदू और मुसलमान की सबकी होती है। अच्छा, सबकी, बहुत सच्चा दरबार है। अगर जो गलत नजर चढ़ जाए तो उसे उठा उठा पटकते हैं। अच्छा, ऐसे हैं वो दरबार। दोस्तों ये भैया चादर बेच रहे हैं जो फूलों की, भैया आपका क्या नाम है? राकेश है नाम भैया। अच्छा, ये बताइए यहाँ 2 साल बाद मेला लगा, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया मेला, बहुत भारी मेला होता है। अच्छा, यहाँ लोगों की गए कि मेला ये कब से हो रहा है लगभग आपको? हमें तो लगभग 10-15-20 साल हो गए लगभग। अच्छा, जब से यहाँ मेला हो रहा है? हाँ, जब से मेला हो रहा है। चाचा, जो इस समय आप दादा मियाँ की मजार पे जो सेवा कर रहे हो, आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, आपका क्या नाम है? हमसे भगवान दास बाबा जी कहते हैं। अच्छा बाबा जी, आप भगवान दास बाबा जी कहते हैं आपसे, तो यहाँ आपके मन में कब से आया कि यहाँ सेवा की जाए? बता रहे हैं कि आप कोई भी पैसा नहीं ले रहा है, भक्ति से, मतलब सब अपना सामान से, टेंट से, हर प्रकार की आप मदद करते हैं, ये कब से आया आपके मन में? ये 30 साल हो गया। 30 साल? हाँ, 30 साल तो अनुभव है मुझे। अच्छा, वैसे ऊपर हो सकता है। जैसे ये आपके मन में कैसे आया कि मुझे यहाँ फ्री में सब कुछ करना है? करना क्या, वो जे बच्चे हैं छोटे छोटे, इन्हें हमको आगे बढ़ाया। अच्छा, वैसे पहले और मेला करते थे तो इन्हें आगे हमको बढ़ाया जी, तो मैं इन्हें कहा कि ठीक है, हमने कहा करो जी।
तो कुछ हमको यहाँ से मिला भी भाई। अच्छा, दादा मियाँ के मजार से जो कुछ हूँ मैं उन्हीं की वजह से। ये बताइए, लोग बताते हैं दादा मियाँ के ये दरबार है, सच्चा दरबार है, यहाँ मनोकामना लोगों की पूर्ण होती है? नहीं, मेरी तो पूर्ण हुई है जी। अब जो आते हों जी भाई उनको मालूम है, जब जब पूरी नहीं है तो आदमी आता क्यों है यहाँ? जी जी, बहुत और चाचा आपका क्या नाम है? हमारा नाम नन्नेलाल है। अच्छा, ये बताइए आप यहाँ कब से आ रहे हो? वो एक ही था तो हमारा भाई है वो जी, तो मैं मदद देता हूँ। अब दादा मियाँ की मेहर है तो मैं करता हूँ, जो हमारे बनता है वो करते हैं। ये दो साल बाद मेला हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है? दो साल बाद तो हो रहा है, अच्छा भी लग रहा है, दो साल नहीं हुआ तो बराबर बुरा लगा जी जी। यहाँ आपके ही आके मनोकामना दिल को सुकून मिलता है? जरूर मिलता है।